हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो दोस्तों बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो में इन सभी के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। लेवल 1 की कट ऑफ SST की, हिंदी की, साइंस और मैथ की और इंग्लिश की, हम इन सभी कट ऑफ के बारे में जानेंगे बहुत ही सटीक विश्लेषण और रिजल्ट आने में और कितना समय लग सकता है। तो वीडियो करते हैं शुरू, आप लोग पूरा जरूर देखना। साथियों, अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। कुल जो आवेदन हुए थे, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2, 9.64 लाख आवेदन हुए थे। लेवल 1 में 2,12,259 आवेदन हुए थे, लेवल 2 में 7,52,706 आवेदन हुए थे। अब मैं आपको पदों की संख्या बता दूं, कुल जो पद थे वो 48,000 थे, लेवल 1 में 21,000, लेवल 2 में 27,000 पद थे। उसके बाद बात करते हैं लेवल 1 में जो TSP के पद थे उनकी संख्या थी 1808 और नॉन TSP के जो पद थे उनकी संख्या थी 19,192। उसी तरह लेवल 2 में जो TSP के पद थे उनकी संख्या थी 4,210, नॉन TSP वालों की कितनी थी 22,790। तो ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको कट ऑफ की ओर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की कट ऑफ की। इंग्लिश में जो कुल पद थे वो थे 8,782 और कुल जो आवेदन हुए थे वो थे 54,960। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो नॉन TSP मेल फीमेल दोनों की है और TSP में भी मेल फीमेल दोनों की एक साथ है। तो अब आप देख सकते हैं, और ये जो मैं नंबर नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रश्नों की संख्या बता रहा हूं आपके कितने प्रश्न सही होने चाहिए। जर्नल में अगर आपके 83 से 88 प्रश्न सही है तो आप बहुत ही शानदार स्थिति में हैं। AWS में 80 से 84, MBC में 78 से 82, OBC में 82 से 86, SC में 77 से 80, ST में 75 से 78। ये आपकी दो गुना कट ऑफ है, पहले ही बोल रहा हूँ सभी की, जितनी बताने वाला हूँ सभी की दो गुना कट ऑफ है। जर्नल की 65 से 70 रहने वाली है, SC की 62 से 66, ST की 57 से 61। ये प्रश्नों की संख्या है, पहले ही सुन लो, ये नंबरों की संख्या नहीं बता रहा हूँ मैं, ये प्रश्नों की संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस और मैथ की। साइंस और मैथ में जो पदों की संख्या थी वो थी 7,435, कुल आवेदन हुए थे साइंस मैथ में 1,93,186। अब आप लोग जान लो इसकी कट ऑफ, नॉन TSP मेल फीमेल, जर्नल की 92 से 95, AWS की 88 से 91, MBC के 85 से 88, OBC की 90 से 94, SC की 84 से 88, ST की 82 से 85। फिर बात करते हैं TSP में। TSP में जर्नल वालों की रहने वाली है 74 से 80, SC की रहने वाली है 70 से 75, ST की रहने वाली है 68 से 72। ये थी आपकी साइंस और मैथ की कट ऑफ। अब बात करते हैं हिंदी की कट ऑफ के बारे में। कुल आवेदन हुए थे 1,73,463, पदों की संख्या थी 3,176। अब इसके कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। नॉन TSP मेल फीमेल, जर्नल की 104 से 108 रहने वाली है, AWS की 100 से 106, MBC की 98 से 102, OBC की 102 से 106। फिर आगे बात करते हैं SC की 95 से 100, ST की 93 से 98, और अब हम बात करते हैं TSP। TSP में जर्नल 86 से 88, SC की 75 से 80 और ST की 73 से 78। फिर कह रहा हूँ, ये नंबर नहीं है, ये आपके अंक नहीं है, ये प्रश्नों की संख्या है, प्रश्नों की संख्या है। अब SST की बात करता हूँ। इसमें कुल पद थे 4,712, कुल जो आवेदन हुए थे 2,58,661। अब इसमें हम लोग बात करते हैं नॉन TSP, ठीक है। तो जर्नल की रहने वाली है 86 से 91, AWS की 82 से 85, MBC की 81 से 84, OBC की 85 से 90,
एससी की 80 से 83, एसटी की 78 से 82, टीएसपी में बात करें तो जनरल की 70 से 75, एससी की 68 से 72, एसटी की 65 से 68 रहने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं लेवल वन की। लेवल वन में जो पदों की संख्या थी वो 21,000 थी। टोटल आवेदन 212,259 हुए थे। अब हम लोग बात करते हैं नॉन टीएसपी जर्नल की रहने वाली है 85 से 90, ईडब्ल्यूएस की 82 से 86, एमबीसी की 80 से 93, ओबीसी की 84 से 89, एससी की 78 से 81, एसटी की 75 से 80। वहीं अब बात करें टीएसपी में तो जर्नल की 72 से 76, एससी की 66 से 70, एसटी की 62 से 64 रहने वाली है। तो ये थी आपकी बिल्कुल सटीक कट ऑफ। लेवल वन की कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहेगी क्योंकि इसके कई कारण हैं रहने के, ठीक है। और हिंदी की कट ऑफ है ना थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, हिंदी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, जितना बताया गया ना उसी के आसपास हिंदी की कट ऑफ रहेगी। ये आपकी एक अनुमानित कट ऑफ है, कोई भी इसे सही कट ऑफ ना माने, ये एक अनुमानित कट ऑफ है हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ। और जो आपका मेन रिजल्ट आएगा उस पर भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 2-3 नंबर का आपको हो सकता है कि फ़र्क देखने को मिले, लेकिन आपकी कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहेगी। ये आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।